जय श्री राम दोस्तों, मैं ज्योति और आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपको अयोध्या के सूर्यकुंड पर लेकर आई हूं और सूर्यकुंड पर होने वाले लेजर शो को मैं आपको दिखाऊंगी। इस लेजर शो में भगवान राम के रामायण कालीन पात्रों को दिखाया गया है और सूर्यकुंड की क्या मान्यता है, क्या महिमा है, इसे भी इस लेजर शो में दिखाया जाता है। 7 से 8 और 8 से 9 दो समय है जो यहाँ पर सूर्यकुंड पे लेजर शो होता है। तकनीकी माध्यमों से लेजर शो कराया जाता है और हजारों की संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं और लेजर शो का लुत्फ उठाते हैं। तो चलते हैं सीधे लेजर शो की तरफ और आपको हम पूरा लेजर शो दिखाते हैं। मैं अयोध्या नगरी सूर्यकुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहु ओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वत थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था, उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्लांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या तुमने, देखा क्या कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे, पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का, ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं, मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर नहीं, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था,
उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोग नहीं। अब कैसे सुखी दिखें जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। अनोखा दिन है, स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्य देव नारायण, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूं क्या उनकी पीर है। मां कौशल्या को प्रणाम। कहां है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है, आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष, ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज है आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्म लोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। चलिए। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, कहो तपस्वी राम। मनस्वी राम अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है, पुनर्ता नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी चलाएगा। मैं कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे हैं, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है।
राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण, भय हो ना भीति हो, मुख्य राम राजनीति जन जन की प्रीति हो, लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो, प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो, दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है, राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है, प्रमोदित अपंतव आस्था का घनत्व, वैभव विशाल वेग करे वर्षा और सदा ही सुकाय, दिशाएं सब मस्त हो, जनपद ये स्वस्थ हो, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो, कोई नहीं रंग हो, सुख ही सुख निशंक हो, प्रेम योग धर्म मूल प्राण है, राम राज आशय कल्याण है। मां कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है, मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं। स्वयं सूर्य देव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला, हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोक, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से, सूर्यदेव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरा, पर जहां उनका रथ रुका था वहां स्वयं यह कुंड बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल खुशार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई और इसका प्रमाण इस सूर्यकुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से फूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था,
और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है। Show was very nice, very elaborate, and the lighting and everything was good. It's very informative, and I personally didn't know about the Suryakund, although we know the story of Ramayana. It doesn't say
the detail that was portrayed here. And so I've recorded for my children, so they can learn from it as well. And very nice, it's peaceful place as well, and very interesting. Good name? Jai Shri. My name is Vidya Shankar. I am tour manager of Tornos Destination Private Limited Company from Lucknow. Head office is Lucknow and main head office in USA. आप अयोध्या आए और अयोध्या में भगवान राम की गरिमा को आपने यहाँ पे देखा, आखिर सूर्यकुंड की क्या मान्यता थी, ये सब कुछ आपने जाना, कैसा लगा आपको सूर्यकुंड और कैसा लगा लेजर शो? मैम वेरी नाइस लेजर शो एंड वी ऑलवेज प्रमोट सूर्यकुंड अयोध्या एंड ऑल डेस्टिनेशंस ऑफ अयोध्या एंड वी प्राउड ऑफ अयोध्या. थैंक यू. पराग ठाकुर कहाँ से आए? लंदन. लंदन से हैं. आपने अभी सूर्यकुंड पे यहाँ पे हो रहे लेजर शो को देखा, भगवान राम की रामायण कालीन हर पात्रों को दिखाया गया और ये भी दिखाया गया कि आखिर सूर्य कुंड की क्या महिमा है, क्या मान्यता है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, डिटेल में था, थोड़ा सा समझ नहीं पड़ा मेरे को क्योंकि मेरा हिंदी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव. तो ये था पूरा लेजर शो जो मैंने आपको दिखाया. रामायण कालीन पात्रों को इस लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है ताकि अयोध्या आने वाले जो पर्यटक हैं वो भगवान राम की महिमा को जान सकें, अयोध्या की महिमा को जान सकें और आखिर सूर्य कुंड की क्या मान्यता है उसे भी जान सकें. तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो आप दर्शन नगर होते हुए सूर्य कुंड आ सकते हैं और भगवान राम के रामायण कालीन पात्रों को भी देख सकते हैं लेजर शो के माध्यम से. मिलते हैं अगली कड़ी में. जय श्री राम.